लोग में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो आज का भी मोटो ब्लॉगिंग है और मेरे पास है ये HF डिलक्स बाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ से पिछला ब्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से फिर इस ब्लॉग को शुरू करता हूँ। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा अच्छा नज़ारा मिलेगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि जहाँ से उस दिन ब्लॉग एंड किया गया था वहाँ से फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और आज इस ब्लॉग में यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक मोहा टोला ये है जगह है, मोहा टोला तक का सफ़र रहेगा। तो देखिए काफ़ी यहाँ का जो नज़ारा है, रोड है इस प्रकार से है। आशा करता हूँ कि आवाज़ पिछला ब्लॉग से काफ़ी हद तक अच्छा आता होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो माइक है उस माइक को इस बार अपने हेलमेट के अंदर ही फिक्स किया है। तो आई होप कि आवाज़ अच्छा है। तो देखिए एंजॉय कीजिए, नज़ारा का आनंद उठाइए, मौसम भी काफ़ी सुहाना है, हो सकता है व्यू भी काफ़ी अच्छा आता होगा। धूप थोड़ा सा अधिक है इस कारण से हो सकता है कि इफेक्ट पड़ता हो कैमरा पे। बस अब देखिए यहाँ से मोहा टोला 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मोहा टोला तक का ब्लॉग रहेगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तो सूरज का किरण देखिए उस साइड में है, बाएं साइड में, और फिर अभी ब्लॉग हो रहा है सीधे रोड से, तो हालांकि प्रभाव उतना नहीं पड़ता होगा। गाड़ी की स्पीड अभी 40 के आसपास है, अधिक स्पीड से जाना भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा। मोटो ब्लॉगरों के लिए तो सबसे बड़ी यही बात होती है कि उन्हें खुद को कंट्रोल करके चलाना चाहिए और बाइक को भी एक निश्चित रफ्तार पे चलाना चाहिए, ना कि मतलब स्पीड। नया नया यहाँ पे पोखर हुआ है दोस्तों, पानी को ये करने के लिए, जमा रखने के लिए। आवाज़ कैसा आ रहा है दोस्तों ये तो फिलहाल अभी पता नहीं, क्योंकि अच्छा ही आ रहा होगा, क्योंकि पूरी तरह से हेलमेट ढका हुआ है, मैंने हेलमेट का ग्लास भी नीचे करके रखा है, तो सिर्फ माइक भी अंदर रखा है, तो हो सकता है कि आवाज़ अच्छा आता। यहाँ से देखिए घोरीचक 10 किलोमीटर दूरी है, तो क्या घोरीचक होते हुए जाना होगा आज, या वहाँ से कोई शॉर्ट रास्ता निकला जाए? तो पहले चलिए मोहा टोला, उसके बाद अगर मन किया तो घोरीचक होते हुए जाएंगे, और मन नहीं किया तो इधर से एक शॉर्ट रास्ता है मोहा टोला से पूरब की ओर, उसी रास्ते पे चलेंगे। उसका वीडियो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में वहाँ से लेके ललमटिया तक का सफ़र रहेगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल अभी चल रहे हैं मोहा टोला, तो अभी इसके बाद अभी हम लोग जहाँ पे हैं उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, अभी वही गांव पहुंचने वाले हैं। जबकि वीडियो का पता नहीं चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक बार शायद जो मुझे देखना होगा, इसे तो देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए उस ये रहा बिशनपुर गांव, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है बोर्ड में कि यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पर चलाएँ बाइक को, और मैं देखिए 20 का ही रफ्तार करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो सरकार का नियम है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो
ये छोटी छोटी पुलियां हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पोखर है और देखिए उस साइड में बड़ा सा नाला नहर जिसे कहा जा सकता है। और इस गांव में अभी हाल फिलहाल ही किसीसी बना हुआ है। तो यहाँ पे आगे में एक छोटी सी नदी है, इससे पहले यहाँ पे मैं रुकता हूँ और अपना कैमरा को चेक कर लेता हूँ कि सही में रिकॉर्डिंग हो रहा है या बंद है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जारी है, तो मैं बाइक को पुनः स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों काफ़ी धूप है, तो ये इस बिशनपुर को पार करने के बाद एक नदी मिलेगी, छोटी सी नदी है और बड़ा ही नीचे इसका पुल है। हो सकता है कि भविष्य में आगे इसे नवनिर्माण कराया जा सके, निर्मित कराया जा सके। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं एक गांव जिसका नाम है गोराती। और सामने में देख रहे हैं, लेकिन मेरे सामने में दाएं साइड में जो ये घर है, ये यहाँ का संकुल स्त्री संगठन है जिसमें कि शक्ति मंडल दिव्यों का इसी बैठक होता है। तो ये रहा, और देखिए यहाँ पे